Hello children, in the previous class we had performed an activity where we learnt about different characteristics of people around us. मतलब इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देती हैं और अंश क्षीर सत्य की तरह इसमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। इसमें बुराई बेईना बेईमानी भी एक अवगुण है। मतलब बेईमानी पर व्यंग करते हुए आप लोगों को यहाँ लेखक हरिशंकर परसाई जी ने एक लेख लिखे हैं कि वे इस तरह उनके प्रस्तुत रचना में लेखक हमें सचेत कर रहे हैं कि हमें बेईमानी से दूर रहें। पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कलम को लेखक की तलवार मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि हैं। सी कलम को लेखक की तलवार मानने वाले सी वी के वी से दैट पेन अथवा लेखनी खड्गकिंत हरितवाददु मीन्स पेन इज अ शार्पर दैन द सोर्ड। तो कलम को यानी पेन को ये लेखक क्या मान रहे हैं तलवार यानी ये स्वॉर्ड मान रहे हैं। इस तरह मानने वाले श्री हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि है। बेजोड़ निधि एक अनोखा निधि है। निधि मीन्स संपत्तु या तो ट्रेजर। ही इज लाइक अ ट्रेजर ऑफ दिस हिंदी लिटरेचर। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गाँव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी नामक गांव में 22 अगस्त मीन्स 22nd of August इन 1924 को उनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 22nd August 1924 एट जमानी विलेज इन मध्य प्रदेश। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं द लिटररी वर्क्स ऑफ द फेमस लिटररी वर्क्स ऑफ हरिशंकर परसाई आर हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सरदार का तावीज, वैष्णव का फिसलन आदि, ये सब इनके प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी के व्यंग्य साहित्य के विकास में इनका योगदान अद्वितीय है। हिंदी साहित्य में व्यंग्य साहित्य के लिए इनका विकास व्यंग्य साहित्य के विकास के लिए इनका योगदान मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स ई हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मच टूअर्ड्स हिंदी लिटरेचर। इसका योगदान अद्वितीय मीन्स यूनिक मीन्स हिज लिटरेचर वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ही प्लेड अ वेरी मच वैल्यूएबल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर। Okay children, before going to this explanation of this lesson, we will see the shabdarth means meanings. We will see the meanings of some of the new words. Pardapash means anavaran, katai hargis, kabibi means never, halfiya means kasam se, promise, taklif kasht, shandar vaibhavyut means in a great manner or in a grand manner, delegate pratinidhi means delegate ko pratinidhi bhi keh sakte hain, jalsa means samaroh utsav ko bhi jalsa kehte hain, hichak means sankoch, ganimat khushi ki baat, chashma ainak means spectacle, kagzat kagaz ya patr means the documents are the papers, halla shor sound are the noise, itminan bharosa ya vishwas, hararat means halka jwar means hararat means halka jwar means a light fever, hargiz means bilkul kisi dasha mein bhi means at any cost, sirhana takiya means pillow. These are the some of the new words with the meanings. Okay children, we'll start with the explanation of the lesson. Children, open page number 73. Part now, ईमानदारों के सम्मेलन में। लेखक है हरिशंकर परसाई जी। इस प्रस्तुत पाठ के रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है।
मतलब इस व्यंग्य रचना में, व्यंग्य रचना मतलब जो किसी और दूसरे को व्यंग करते हुए एक रचना लिखे हैं या तो सामाजिक असंगति की ओर संकेत कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं लेखक। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है। इस पाठ में हास्य और व्यंग्य दोनों का सुंदर सम्मिश्रण हुआ है। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दापाश किया है। मतलब इस रचना के द्वारा, इस रचना के माध्यम से थ्रू दिस आर्टिकल परसाई जी ने ईमानदार कहने वाले, ईमानदार कहने वाले हैं लेकिन वे एक्चुअली दे आर नॉट द ईमानदार, या तो दे आर नॉट प्रॉम्प्ट आर दे आर नॉट द हॉनेस्ट पर्संस बट दे एक्ट लाइक अ हॉनेस्ट पीपल, लेकिन वे बेईमानी दिखाते हैं। और वे किस तरह बेईमानी दिखाते हैं उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है इस पार्ट में। एस चिल्ड्रन वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन पार्ट नौ, ईमानदारों के सम्मेलन में। लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। सो हरिशंकर परसाई जी लिखते हैं कि या तो इस प्रस्तुत पाठ से यह और शिक्षा दे रहे हैं कि प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति की ओर संकेत किया गया है। मतलब हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ से, पाठ के द्वारा हमें सामाजिक असंगति की ओर संकेत कर रहे हैं, मतलब उसके बारे, असंगति के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है। इस पाठ में हास्य और व्यंग्य दोनों का सम्मिश्रण है। मीन्स इट हरिशंकर परसाई जी नरेटेड द सिचुएशन इन अ मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड आयरनी। इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने ईमानदार कहने वाले लोगों की बेईमानी का पर्दापाश किया है। मतलब ही हैज नरेटेड द डिसऑनेस्टनेस, बेईमानी मीन्स डिसऑनेस्टनेस ऑफ द ईमानदार, मतलब हॉनेस्ट पीपल्स, हॉनेस्ट पर्सन्स डिसऑनेस्टनेस इन दिस लेसन। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया। कतई मीन्स हरगिज, मीन्स कभी भी, मीन्स नेवर। लेखक कह रहे हैं कि आई हैव नेवर डन एनीथिंग दैट सीरियसली, जिससे ईमानदार माना जाऊँ, उसके माध्यम से मुझे ईमानदार बोले, या तो जो लोग ईमानदार की दृष्टि से देखे। मतलब आई हैव नेवर डन एनीथिंग सीरियसली हॉनेस्ट टू बी कॉल्ड एज अ हॉनेस्ट पर्सन। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। सो आई वॉज सरप्राइज्ड, आ तो भ्रम हो गया उनको, किस तरह भ्रम हुआ था कि मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ या मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। मुझे पत्र मिला एक दिन, मुझे एक पत्र मिला, लेखक बोल रहे हैं मुझे एक दिन एक पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। ही इज टेलिंग दैट आई गॉट अ लेटर इनवाइटिंग मी टू बी अ चीफ गेस्ट ऑफ द टू इनॉग्रेट द हॉनेस्ट मीट एट ए डिस्टेंट सिटी, दैट इज शहर मीन्स सिटी, इन अ सिटी आई वॉज इन्वाइटेड फॉर एज अ चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट द हॉनेस्ट मीट। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, उसमें लिखा था आप एक प्रसिद्ध ईमानदार है, यू आर अ फेमस हॉनेस्ट पर्सन इन दिस सिटी, हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें, वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू इनॉग्रेट दिस हॉनेस्ट मीट, उद्घाटन सम्मेलन मतलब मीट या तो कॉन्फ्रेंस, सो यू हैव टू इनॉग्रेट दिस हॉनेस्ट मीट, हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे। वे लिखे हैं उसमें हम आपके आने जाने का, मीन्स वी विल पे द TEDA फॉर यू एंड ऑल्सो पहले दर्जे का, वी विल गिव यू द चार्ज, किराया मीन्स मतलब चार्जेस ऑफ द फर्स्ट क्लास चार्जेस फॉर द आवास, आवास मीन्स वहाँ स्टेइंग या तो फॉर लॉडजिंग, भोजन मतलब फॉर यूर लंच और फॉर यूर डिनर आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे, आप लोगों को आवास मतलब लॉडजिंग एंड बोर्डिंग की व्यवस्था हम अच्छी व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। आप इधर आते हैं तो आपकी आगमन से ही ईमानदारों को और तथा उदीय तथा मीन्स और
और उदीयमान ईमानदारों को एक बड़ी प्रेरणा मिलती है. दैट मीन्स योर अराइवल विल प्रोवाइड अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू द बिलीवर्स एंड द राइजिंग बिलीवर्स. बिलीवर्स मीन्स हियर द हॉनेस्ट पर्सन्स. मीन्स द हॉनेस्ट पर्सन्स, द फोर्थ कमिंग हॉनेस्ट पर्सन्स विल बी इंस्पायर्ड बाई यू एंड यूर स्पीच. सो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम एंड इनाग्रेट द फंक्शन आर द इनाग्रेट द कॉन्फ्रेंस. मैं इस पत्र को देखते ही मैं वहाँ गया, लेकिन हल्फिया कहता हूँ कि ईमानदार के लिए नहीं गया. हल्फिया मतलब मैं कसम से, मींस प्रॉमिस. प्रॉमिस आई डिड नॉट गो हॉनेस्टली देयर, मतलब मैं वहाँ हॉनेस्टी के लिए तो ईमानदारी के लिए नहीं गया. आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस हॉनेस्टी. मैं यह हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊँगा और पहले दर्जे का किराया लूँगा. Means by thinking this, I went that. I was given or I thought of traveling by second class and pocketing the difference. Hisab means lekka hakodu athwa by accounting that I thought that I will go in a second class and I will take the first class charges. इस तरह 150 रुपये बचेंगे. इस तरह करने से मुझे 150 रुपये बचेंगे, मतलब 150 विल बी इन माई पॉकेट. यह बेईमानी कहलाएगी. इस तरह करने से यह बेईमानी कहलाएगी, मतलब यह तो डिसऑनेस्टनेस है. लेकिन पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों है. मीन्स व्हाई डिड दे कंसीडर मी हॉनेस्ट एट द नेशनल लेवल. बिकॉज आई हैव नेवर डन एनी वर्क हॉनेस्ट वर्क टू बी कंसीडर्ड मी एज अ हॉनेस्ट. देन टू व्हाई डिड दे consider me as a honest at national level, but I went there to only to take the money, that is 150 rupees money in my pocket by going first second class and taking the first class charges. Okay children, today I will stop here and I'll continue in the next class.